नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। उदयपुर में कटारिया के खिलाफ क्षत्रिय समाज ने किया विरोध प्रदर्शन, आक्रोश रैली निकालकर जताया विरोध। उदयपुर में भगवान राम और महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा सहित सभी क्षत्रिय संगठनों और सर्व समाज द्वारा गुरुवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। आक्रोश प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और कटारिया के गृह विभाग नगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका बहिष्कार किया गया। प्रदर्शनकारियों में भाजपा नेतृत्व में कटारिया को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने और भाजपा से निष्कासित करने की पुरजोर मांग रखी गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जनता सेना प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि आज 36 कौम एक जाजम पर है और खास बात यह है कि सभी क्षत्रिय भी हैं। हम महाराणा प्रताप के अपमान का घोर विरोध करते हैं। उन्होंने कटारिया की खुद को स्वयंभू नेता समझते हैं और महापुरुषों के लिए अपशब्द बोलकर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बहुत हो चुका, अब समय कटारिया को सबक सिखाने का आ गया है। इस अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने कहा कि कटारिया के विरोध में समाज की जाजम पर यह संकल्प लिया है कि हम कटारिया की सार्वजनिक सभाओं का बहिष्कार करेंगे व गांव गांव डांडी में विरोध करेंगे। क्षत्रिय समाज के इस निर्णय में सर्व समाज भी शामिल है। महासभा के महामंत्री तनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि भगवान राम और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों का अपमान करने वाले कटारिया को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा को कटारिया को तत्काल निष्कासित कर देना चाहिए, अन्यथा भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सभा में अशोक सिंह मेतवाला ने कहा कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों को गाली देकर महापुरुषों का अपमान कर कोई कैसे सार्वजनिक जीवन में राजनीति कर सकता है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में पूरी तरह बायकट होना चाहिए। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि कटारिया के पास कोई परमिट नहीं है कि वह हमारे महापुरुषों पर कुछ भी बोल दे। इसका जवाब देने के लिए हम 36 कौम तैयार हैं। यदि प्रशासन नहीं चेता तो कटारिया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप दिया जाएगा। देखिए आप भी उदयपुर में हुए आक्रोश रैली की कुछ झलकियां। रोज प्रतियोगिताएं करें, रोज कबड्डी खेले, लेकिन जब कोई हमारे समाज, हमारे देश, हमारे महापुरुषों के अनर्गल पर लाभ करे तो उसकी जबान को खींच कर प्रतंजा बनाकर उसके ऊपर छोड़ दे। 84 साल की उम्र है, हमारे बुजुर्ग है, तय जागीर है। ये महाराणा सांगा जी ने नरूकाओं को दी थी जब जयपुर और आमेर और नरूकाओं के बीच में द्वंद हुआ उत्तराधिकार को लेकर। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आज कुछ लोग कहते हैं कि रघुवंश शिरोमणि हमारी आस्था के। ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान चैनल को। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।